भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया की आज 145वीं जयंती है। ये महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी और उस ध्वज के डिजाइनर थे जिस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आधारित था। इनका जन्म मछलीपट्टनम के पास भाट लेपानु मुरु में हुआ था, जो अब भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सदस्यों द्वारा विभिन्न झंडों का इस्तेमाल किया गया। पिंगाली वेंकैया, जो कृष्णा जिले से थे, इन्होंने अपने छात्र जीवन में राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया और 1 अप्रैल 1921 को विजयवाड़ा शहर के बाद की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया। भारतीय कांग्रेस के लिए तैयार झंडे में केसरिया और हरा रंग था, जिसमें महात्मा गांधी ने सफेद पट्टी और लाला हंसराज ने चरखे को सम्मिलित करवाया। इसे स्वतंत्रता के बाद चक्र में परिवर्तित कर दिया गया था। पिंगाली वेंकैया भू विज्ञान और कृषि क्षेत्र के शोध में एक महारथी थे और साथ ही साथ एक शिक्षाविद भी थे। इन्होंने मछलीपट्टनम में एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना भी की थी। इन्हें भू विज्ञान में डॉक्टरेट और हीराकरण में महारत हासिल होने के कारण डायमंड वेंकैया और रुई की किस्मों पर शोध करने का पट्टी वेंकैया के नाम से भी जाना जाता था। इसे दुखद ही कहेंगे कि सामाजिक उपेक्षा और गरीबी की हालत में 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि 2009 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया और 2011 में यह प्रस्तावित किया गया कि उन्हें बल्डो पर आज भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, जिस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जा रहा आज तक बाकी है। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से डॉक्टर वेंकैया को शत शत नमन।